हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो देखिए, 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया हुआ है। आप उसको रिफ़र कर सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी गिवेन नंबर का हम कैसे 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और कैसे 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो मेरा रिफ़र करना होगा। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं 9s या 10s से, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सिंपली यू कैन से कि हाउ दिस सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये काम कैसे होगा इसको देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई एक क्वेश्चन लिया, सपोज कीजिए हमें 83 - 25 करना है। ठीक है, यूजिंग 9s मेथड और यूजिंग, पहले हम इसको करते हैं यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली इसमें हम 25 का, यानी इसको हम क्या लिख सकते, इसमें जो जो सब्ट्रहेंड है जिसको माइनस करना है, हम क्या करेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 निकालेंगे। तो इसको निकालने का मेथड पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्या करेंगे कि 2 और 5 लिखेंगे और हर डिजिट को इंडिविजुअली 9 से माइनस कर देंगे। ये हो गया, ये आ गया, यानी इसका क्या आ गया 9s कॉम्प्लीमेंट 74 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 83 - 25 मतलब हो गया 83 + 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25, तो कितना हो गया 83 + 74। तो हम क्या करेंगे 83 और 74 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 4 × 3 = 7, 8 × 7 = 15 और हासिल लगा 1। अब ये जो कैरी है, इस कैरी को हम यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58, और ये आ गया आपका आंसर। और वैसे भी नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी आप 83 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 + 5 = 8, 7 में से 2 = 5, ये आया। और देखिए यही आंसर 9s मेथड से आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि जब भी यहाँ पे अगर आपका कैरी बच रहा है तो उसको आप लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका किससे 9s कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन आपका 37 - 69, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको हम फिर उसी मेथड से लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 37 + 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 69। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसको जो है क्या करेंगे हम 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 69 पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 69 का हमने 69 लिखा और 9 में से इसको इंडिविजुअली रिड्यूस कर देंगे, तो 9 में से 9 = 0 और 9 में से 6 = 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 37 + 30। ठीक, तो इसको जब आप ऐड करेंगे 37 और 30 को, तो क्या होगा कि 7 और यहाँ आ गया 3 और 3 = 6। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें ये ध्यान देने वाली है कि ये क्या है, देयर इज नो कैरी, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। तो कैरी नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कैरी हो
इसका मतलब हो गया कि ये जो आंसर आया है भाई, वैसे अगर हम कहें कि हम 37 में से 69 घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर आप घटाओगे तो 17 में से 9 गया 8, 17 में से ये आप माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 17 में से 9 8 17 8 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 12 में से 6 गया 6 आएगा, ठीक है। या अगर आप इसको नहीं सिंपल अपने जैसे हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं, 37 में से अगर 69 घटाएंगे तो 9 में 7 गया 2, 6 में 3 गया 3, और क्या आएगा माइनस का, ये आएगा ना। और इधर हम 9s कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 67 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आंसर ये सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आंसर इज करेक्ट बट आंसर इज इन 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो अब या तो आप इसको आंसर को इस तरह लिखिए कि भाई 67 इन 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, या आप क्या कीजिए 67 का 9s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 9 में 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, और माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये जो आंसर आ रहा है, अगर कोई कैरी नहीं बच रही है तो जो आंसर आ रहा है वो सही है लेकिन 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो या तो आप ये लाइन लिखिए कि आंसर ये है और इज इन 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, या जो आया है उसका आप 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए, तो भी आपका आंसर देखिए -32 इधर भी आ गया, और आप डायरेक्ट मैथमेटिक्स से भी करेंगे तो आपका -32 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट वाला, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 56, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया है 56.25 -17.12, इसको आपको करना है सॉल्व यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है 9s कॉम्प्लीमेंट की मदद से। इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी सिंपली आप वही मेथड लगाइए कि अच्छा पहले इसको आप आंसर देख लीजिए अपनी सिंपल मैथमेटिक्स में, हम लोग करते तो कितना आता 56.25 17.12, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 7 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, ये आंसर आएगा, ठीक। अब आप क्या कीजिए, अब आप आ जाइए अपने 9s कॉम्प्लीमेंट मेथड में, तो ये हो जाएगा 56.25 प्लस 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17.12, यानी एक तरह से हो गया 56.25 और 17.12 का 9s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, ये आ जाएगा 82.87, इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे 7 5 12 के 2 से लगा 1, 8 2 10 1 11 के 1 से लगा 1, 6 2 8 1 9, 8 5 13 के 3 से लगा 1, कैरी, ये देखिए कैरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कैरी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ला के प्लस कर देंगे, ठीक, 1 यहाँ ला देंगे, तो कितना हो जाएगा 39.13 आंसर, ठीक, ये आ गया देखिए 39.13। अगर यहाँ पे कैरी ना होता तो वही पिछली प्रॉब्लम की तरह हम क्या करते कि जो आंसर आता वो 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता तो उसका हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते और माइनस साइन लगा देते। तो आई होप कि आपको 9s कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं सेम प्रॉब्लम्स को ही हम लोग करते हैं 10s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके, ठीक है। तो 10s कॉम्प्लीमेंट उसमें कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा, मान लीजिए हमें
83 माइनस 25 करना है यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्या करेंगे हम इसको, हम ये लिख सकते हैं 83 प्लस 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25। तो 10s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 25 का पहले हम 9s निकालेंगे इस तरह, 9s 5 गया 4, 9s 2 गया 7, और फिर एक ऐड कर देंगे तब 10s आएगा ना, 75 हो गया, ये हुआ, ये 10s हुआ और ये 9s हुआ, इसको यानी हम 83 प्लस 75 करेंगे तो 5 3 8 और 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, ये आ गया कैरी, ये कैरी आ गया। अब इस कैरी को हम कहाँ ले जाएंगे, इस कैरी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या छोड़ देंगे ये बताइए। ठीक है, यहाँ पे कैरी को हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर, तो आंसर क्या आ गया हमारा 58 इज द आंसर। और वैसे भी हम सिंपल मैथमेटिक्स से देखें, यहाँ पे 83 माइनस 25, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यही आंसर आ गया, ये हमारा आंसर सही। तो 10s कॉम्प्लीमेंट के केस में जब कैरी आएगा तो उसको हम एज इट इज इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमें 37 माइनस 69 करना है यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 69। ठीक, अब 69 का 10s निकालिए, तो 69 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3 और प्लस 1 ऐड कर दिए 31 आया, तो ये हो गया 37 प्लस 31, ये ऐड कर दीजिए 7 1 8 3 3 6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरी नहीं है, नो कैरी, तो नो कैरी का मतलब क्या हुआ कि जो आंसर आया है आपका वो 10s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो आंसर क्या होगा, इस नंबर का 10s कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे और निगेटिव लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, 68 का 10s निकालने के लिए पहले 9s निकालिए, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और फिर 1 ऐड कर दीजिए 32 और फिर माइनस साइन, यानी ये आ गया माइनस का 32, दिस इज द आंसर। और वैसे भी आप 37 में से 69 घटाएंगे तो भी 9 में 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का यही आएगा, क्लियर। तो मेन जो इसमें चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि देखिए 10s कॉम्प्लीमेंट में कैरी जब आएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, और कैरी जब नहीं आएगा तो जो आंसर आएगा उसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें फिर निगेटिव साइन लगा देंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 9s कॉम्प्लीमेंट में क्या था, कैरी आ रहा था तो उसको ऐड कर देते थे, और नहीं आ रहा था तो वो 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आंसर था। यानी मैं इसको आपको ब्रीफली यहाँ लिख भी देता हूँ कि 9s कॉम्प्लीमेंट वाले केस में क्या हो रहा था, अगर कैरी आ रहा था, कैरी एग्जिस्ट, तो हम उसको ऐड कर दे रहे थे। सेकंड में क्या था, नो कैरी के केस में जो आंसर आ रहा था वो 9s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में था, और उसका जब हम 9s निकालते तो हमें फाइनल आंसर मिल जा रहा था। जबकि 10s कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 10s कॉम्प्लीमेंट में ये है कि अगर कैरी एग्जिस्ट करती है, कैरी एग्जिस्ट, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, इग्नोर कर देंगे। और अगर कैरी नहीं है तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा, उसका हम 10s लेंगे और फिर निगेटिव साइन लगाएंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। तो ये जो लास्ट में जो दो पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये वाला और ये वाला, ये इसको अगर आप अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे तो आपको
सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। थैंक यू।